इंदौर में चोरी और लूट जैसी वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपियों पर पुलिस द्वारा सक्रियता से कार्रवाई की जा रही है। इसी के चलते पलासिया पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 12 किलो चांदी चुराने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल इस घटना को अंजाम मामा भांजे की जोड़ी ने दिया है, जहां आरोपी पीयूष ने अपने मामा के साथ मिलकर पहले तो अपनी पत्नी को नशे की दवाई पिलाई, उसके बाद एक ज्वेलरी शॉप में जाकर 12 किलो चांदी चुराकर इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी भांजे पीयूष को गिरफ्तार कर चोरी की चांदी जब्त की है। वहीं कुछ माल आरोपी मामा लेकर फरार हो गया है, जिसकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। मिली है कि इसमें जो चोरी के दो मेन आरोपी हैं, इनके नाम क्रमशः जो है पीयूष पिता राजेंद्र बंसल, जो कि घास मंडी कचहरी रोड मुरार ग्वालियर का रहने वाला है, और मुकेश झा, जो कि मूलतः बामौर थाना क्षेत्र का रहने वाला है और जो वहाँ पे हाल ही में किराए पे मुरार में रह रहा था। इसकी माँ जो है वहाँ पे जो है टीचर का काम करती है, और लेकिन ये जो है वहाँ पे इसके दो अन्य अपराध हैं। इसके अलावा अन्य थाना क्षेत्रों में जो भी उसके अपराध हैं उनके बारे में पुलिस जानकारी प्राप्त कर रही है। तो इनके कब्जे से लगभग जो चोरी गई थी उसमें से 12 किलो चांदी जो है पुलिस ने बरामद की है, और अन्य मशरूम का बरामद करने के लिए पुलिस टीम लगातार प्रयास कर रही है। उक्त मामले में आरोपी मुकेश की गिरफ्तारी के बाद और भी खुलासे होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स, इंदौर।